सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। बहुत ही गंभीर विषय पर मैं बात करने के लिए आपके पास आया हूं। देश में जो माहौल चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, जो एजेंसीज हैं उनको एक टूल की तरह, एक औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। और ये अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में, सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रोका हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका हुआ है, 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी, हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना, उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटे सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट है फ्री हैं, आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो, अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट एमबीबीएस आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं, कोई यूट्यूबर के बारे में, कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं, गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे, मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। मैं पंजाब का 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं, 2 साल में हमने 829 आम आदमी क्लिनिक बना दिए,
25 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आके दवाई लेके ठीक होके चले गए। क्या ये काम नहीं करनी चाहिए हमें? वो आम आदमी क्लिनिक को बंद करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है, ये ना बनाओ जी। फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी नहीं हुई, क्यों जी? आजादी में 80% योगदान हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, और 15 अगस्त और 26 जनवरी आप पंजाब के बिना मना लोगे? कैसे मना लोगे? हाउ डेयर यू आर? किसने, वो होते कौन है शहीद भगत सिंह की झांकी को, जिसमें शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जलियांवाले बाग का कांड, जिसमें वो थे झांकी में, उनको रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं? ये भगत सिंह से बड़े हो गए? जिन्होंने देश लेके दिया, अब उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं? मुझे तो ये शक है, अगर इनका वास चले तो ये राष्ट्रीय गीत जनगण मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे, अगर इनका बस चले तो। इतनी नफरत करते हैं ये पंजाब को, और पंजाब वो है जो पूरे देश का पेट भी पालता है। 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हमारे बेटे आज कारगिल से लेके पंजाब के लड़के खड़े हैं सीना तान के, कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली आती है सबसे पहले पंजाबियों का सीना है। तो ये इतना हमें नफरत करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है, ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। 3 दिन पहले रशिया में क्या हुआ? 88% वोट पुतिन, 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा, और जो 12% है वो खराब हुई वोट है, उनके खिलाफ नहीं वो डाल सकता कोई। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। फिर ये डिक्टेटरशिप है, आप रात को 8 बजे आ जाओ घर, 9 बजे तक सर्च करते रहो, उसके बाद ले जाओ, फिर देखते हैं बाद में, रिमांड मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक देशभक्त बंदा है वो, अगर पैसे कमाने होते, IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, कमिश्नर इनकम टैक्स का, उनकी पत्नी भी IRS कमिश्नर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छी बड़ी नौकरी क्यों छोड़ते? तो इनको यही लगता रहता है कि हमारी तरह सारे ही, देखो साधु को सभी लोग साधु लगते हैं, चोर को सब चोर लगते हैं। इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या हुआ? 8,000 करोड़ के आसपास जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं, कहते वो तो चंदा है, अच्छा अगर कोई अच्छे काम करे, कहते नहीं तेरा धंधा है। अभी मैं परिवार से मिलकर आया हूं, बेटा और बेटी हैं, आगे के एग्जाम देने हैं उन्होंने, किसी मिलने जाना है, कोई किताबें सिलेबस की, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है कि सर प्लीज इनको भेज दो अंदर। नहीं जी, 2 बंदों को ही भेजेंगे, ये 4 हैं, हद है। बच्चों का क्या कसूर है जी? उनकी पत्नी का क्या कसूर है जी? तो ये सब कोई इनका किसी, मुझे ये बता दीजिए किसकी मानते हैं ये? सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं? नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन की मानते हैं? नहीं मानते। CBI की मानते हैं? नहीं मानते। नीति आयोग की मानते हैं? नहीं मानते। ये तो कमाल है, मतलब मैं हर जगह मैं। सो ये बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी अब छोटी पार्टी नहीं है, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, 1 हमारा लोकसभा का मेंबर है, 5 MLA हमारे गुजरात में हैं, 2 MLA हमारे गोवा में हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारी मेयर है, और चंडीगढ़ का मेयर हमारा है। और वो तो पता होगा ना चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना, फिर वो तो पता ही होगा ना, ये डेमोक्रेसी है। फिर कैसे गिन रहा था वो? 36 वोट गिनने थे, 36 वोट, कैमरे लगे हुए थे, कैसे गिन रहा था? ऐसे वोट देख के। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो जस्टिस साहब ने कहा कि दिखाइए कहां है वोट, ये वो 8 के 8 वोट उन्होंने वैलिड करार दिए, और पहली बार हुआ है जुडिशियल हिस्ट्री में
कि कोई मेयर का नाम सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि ये मेयर होगा, तो अगर 36 वोट में से 8 वोट खराब कर दिए, मतलब ऑलमोस्ट 25%, मुझे इस बात का कोई हैरानी या खुशी नहीं है कि हमारा मेयर बन गया। मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि 36 वोट में से 8 खराब कर दिए, अभी 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे, उनमें क्या करेंगे? ये वोट कहीं डलता है, जाता कहीं और है, जीतता कोई और है। ये इन्होंने इलेक्शन को ऐसे समझ रखा है जैसे बस अब हमारा ही काम है। हम कहते रहे, पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर ये आ गए ये संविधान बदल देंगे, और बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना है। अभी जो देश में चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है उसको, सबको पता है, लेकिन ऐसे किसी पड़ोसी या किसी विदेशी राष्ट्रपति से कहलवा लेना कि यू आर द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, और अभी किसानों की समस्या थी, हरियाणा के बॉर्डर पे रोक लिया। पत्रकारों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी, वो कहते जी दिल्ली क्यों आते हैं किसान? मैंने कहा जी मोदी जी दिल्ली क्यों आए फिर अहमदाबाद छोड़ के? कहते जीत के आए हैं। मैंने कहा जो जहां जीत के आएंगे वो देश का राज करने के लिए, तो वहीं पे आएगा सारा देश, उनको दिल्ली क्यों नहीं आने देते? मैं लाहौर भेजू उनको? लाहौर से ज्यादा तारें लगा दी थी, लाहौर वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान ने तार नहीं लगाई हुई, हमारे वालों ने लगाई हुई है, उनको क्या जरूरत है? कहते अपनी अपनी तरफ लगा लो। तो ये किसानों की समस्या तो हल नहीं करते। टीवी पे ऐड आती है, पापा यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने। अच्छा, आप उनके युद्ध रुकवा सकते हो, अपने किसानों से बात नहीं कर सकते 200 किलोमीटर? कमाल है, हद है यार, ये डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपके जरिए, आपके टीवी कैमरों के जरिए करोड़ों लोगों को ये कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जो है वो चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। हम चट्टान की तरह उनके साथ, मैं भी अपना काम छोड़ के आया उनके लिए, उन्होंने जब दिया न्योता पूरे देश को कि अच्छी राजनीति करने के लिए मुझे अच्छे बंदे चाहिए, तो मेरे जैसे लोग, अगर मैं आर्टिस्ट था, फेमस आर्टिस्ट था, मुझे क्या जरूरत थी? मुझे भी बीच बीच में गालियां देते रहते हैं, बीजेपी वाले गालियां देते रहे, कांग्रेस, मतलब असल में क्या है, इनको दुख इस बात का है कि आम घरों से बेटे बेटियां जीत कर हमारी कुर्सियों पर क्यों बैठ गए, ये पंगा है। कोई संकट नहीं है पार्टी, देखो हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सो पार्टी कुछ नहीं हुआ, पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। इतने 10 सालों में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कहां कहां गिरफ्तार करोगे? कौन आगे बढ़ाएगा भाई? हम सारे बढ़ाएंगे हम मिलके। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, यूनिट अलग हो जाएगा, दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इस तरह के स्पेकुलेशन को देखो भाई साहब, जब इनको सोचने, इन्होंने दिन रात यही है किसकी सरकार गिरानी है, किसकी तोड़नी है, किसके एमएलए खरीदने हैं, अभी तक यही तो करते आए हैं। जहां पे जीतते नहीं वहां खरीद लेते हैं, जहां पे इलेक्शन से नहीं जीते वहां बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं। 30 बंदों से इस्तीफा ले लो, फिर बाई इलेक्शन करवा लो, हाउस की संख्या कम करके सुबह 4 बजे गवर्नर को जगा लो कि ओथ करवा, एक बार ओथ करवा। ये तो ट्रंप ने मेरे ख्याल में सलाह नहीं पहले मांगी होगी, वरना ट्रंप को भी पिछली बार ये ओथ दिलवा लेते कि एक बार तू ओथ ले, बाकी बाद में अमित शाह जी को भेज देंगे वहां ठीक कर लेंगे। देखो उधर देखो, साडा लीगली फैसला हैगा कि असी नीचे वाली कोर्ट दे विच जावांगे, पर 10 दिन का रिमांड मंगणगे, 15 का मंगणगे, फिर जुडिशियल रिमांड होगा, फिर जमानतां कैंसल कराउणगे, आ होगा। जब किसी की मानते ही नहीं है, या तो 5-0 का फैसला ही नहीं माना जब सुप्रीम कोर्ट का, तो किस पे भरोसा करेंगे? तो इसलिए हमें कोई डर नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगी कि कितना रिमांड देना है। हाँ,
केजरीवाल क्या क्या कहा? असल में बीजेपी को खत्म करने में मुख्य आरोपी वही है, बीजेपी को डरी हुई है कि यार केजरीवाल अगर आ गया ना, ये हमें इससे डर है। उनको कांग्रेस से क्या डर, उनको उनको बाकी पार्टियों के पता नहीं कितने इतने बड़ी बड़ी फाइलें बना के रखी हुई हैं, झूठी सच्ची बना के रखी हुई हैं। एक ही पार्टी है जिससे बीजेपी को डर लगता है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि इतना तेजी से जा रही है आगे, तो इनको लगता है यार ये जहां भी जाते हैं तो अभी पंजाब में देख लेंगे, पंजाब में हमने कहा तेरह जिलों का, अभी दिल्ली में अच्छा जा रहा है, अभी कुरुक्षेत्र में, गुजरात में, हम सब जगह पे जाएंगे। तो इसीलिए उनको मुख्य आरोपी लग रहा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है वो मुख्य आरोपी है। इंडिया अलायंस के बड़े लीडर्स की मीटिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके, अब वो चिंतित हैं कि पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, अब अरविंद केजरीवाल की हो रही है, तो इकट्ठा स्ट्रैटेजी बनाने की तैयारी में क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल मीटिंग करेंगे, मैं भी उस मीटिंग में जाऊंगा, पहले भी मैं सभी मीटिंगों में जाता रहा हूं, अरविंद जी के साथ जाता रहा हूं मैं, चाहे बेंगलोर हो, मुंबई हो, पटना हो। तो इंडिया अलायंस में जो मीटिंग होगी उसमें, क्योंकि ये मामला अकेला अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये मामला डेमोक्रेसी को बचाने का है, ये मामला लोकतंत्र को बचाने का है। दो घंटे कल पूरी छानबीन चली है, कहते हैं कि निकल के कोचिंग सामने आया, पर टीम की जरिए ये क्या है? परिवार ने मानसा में भी दसो, परिवार हौसले चाहे, देखो केजरीवाल साहब की जो पत्नी है उन्होंने कोई पहली बार नहीं ऐसा देखा, रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, कितने दिन अनशन चलते रहे, जेल में भी पहले जाते रहे, तो ये ऐसी बात नहीं है कि परिवार में कोई शिकन नहीं है। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो ये कह रहे हैं कि डीरेल कर देंगे, प्रचार नहीं करने देंगे, ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि प्रचार में तो हम दुगना तिगना जो जोश है उसके साथ जाएंगे, और हमारे सभी अभी मैं जाऊंगा अपना गोपाल राय जी से, पंकज गुप्ता जी से, सबसे जो है हमारी पीएसी है, हाई कमांड है, उनके साथ मीटिंग करूंगा। अभी आज शाम तक फाइनल कर लेंगे, आज शाम तक फाइनल कर लेंगे इंडिया अलायंस के कौन से नेता दिल्ली आ सकते हैं, मीटिंग करनी है, पीसी करनी है, जो भी हम करेंगे, लेकिन हम इस कितना है, हमारा अलायंस जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मजबूत है। अलायंस के पूरे साथियों ने विरोध भी किया है, और आने वाले दिनों में और ज्यादा हम इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे कि एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को आप पकड़ के, आप उस समय जब प्रचार करने जा रहा है तो ये क्या डेमोक्रेसी हो गई? आपने शिवसेना तोड़ दिया, आपने है जी, आपने शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, ठीक है, आपने जो चाहते हो कि इसको तोड़ दो, इसको इसका चुनाव चिन्ह छीन लो, इसका ये छीन लो, ये छीना छपटी ज्यादा देर नहीं चलती। मैं इतना झूठ चल रहा है देश में, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, ये क्या कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, ये देश के टुकड़े, असल में टुकड़े टुकड़े गैंग ये हैं जो देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। हम हमारी पार्टी जो है वो बहुत जोश में है, जगह जगह पे आज पूरे देश में विरोध भी किया है, और अरविंद केजरीवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बन के उभर के आएंगे, और लोगों को आज पता चल गया कि कैसे ये दमनकारी नीतियां जो इनकी बीजेपी की हैं, कि लोकतंत्र में अगर हम नहीं जीते, जो जीत गया उसको दबा लो, ये चलेगा नहीं। नहीं देखिए देखिए पता क्या, मैं पहले भी जाता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अरविंद जी मेरे पे बहुत, मेरे बड़े भाई हैं, वो बहुत यकीन करते हैं, और जाएंगे जहां भी मुझे हमें मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में गुजरात भी जाऊंगा, कुरुक्षेत्र भी जाऊंगा, आने वाले दिनों में जहां जहां मुझे पार्टी ने कहा मैं जाऊंगा, मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं। पंजाब की सरकार पे कोई असर पड़ेगा इस चीज का कि मान साहब सारी जिम्मेदारियां में पंजाब की होया जिम्मेदारियां बड़ी यार, भाजपा दी किन्नियां सीटां ने पंजाब च दसी, किन्नियां ने दसो हैं? दो, अब 117 में से दो हैं, 92 वालों को सवाल पूछ रहे हो आप कि भाजपा कहती है ये होगा, ये ख्याली पलावा उनके, ये आम आदमी पार्टी के जो हमारे एमएलए है ना वो बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ कीमत उसकी लगती है जो मंडी में हो, हमारा जो एमएलए हैं, हमारे जो पार्टी के वॉलंटियर हैं, वो बिकाऊ नहीं है, वो मंडी में ही अवेलेबल नहीं है, कीमत क्या लगाओगे उनकी? पंजाब के विच अलायंस नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं है, पर इसके बावजूद
कांग्रेस के जिड़े भी विधायक ने ओह इस चीज नू निंदा कर रहे ने जिस तरीके दे नाल गिरफ्तार पर उन्होंने सेलिब्रेट भी किया इसनू कहंदे कि एक पासे राहुल गांधी ते नाल खड़न दी गल कर रहे हैं पर पंजाब कांग्रेस दे लीडर सेलिब्रेट कर रहे हैं केड़े लीडर पंजाब कांग्रेस दे पंजाब कांग्रेस च भावे लीडर हैगे उथे पंजाब कांग्रेस लीडर हैगे ਬੜੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਰਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਯਾਰ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ।